एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट फैजान और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। सीधे उनसे रूबरू करते हैं शगुफ्ता जी से। हेलो मैम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी मैम। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। सबसे पहले शगुफ्ता जी, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का करम होता है और माँ बाप की दुआएँ होती हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल सही है फरमाया आपने। सबसे पहले आपकी जो मूवी आ रही है शगुफ्ता जी, इसमें किस किरदार में आप नज़र आने वाली हैं और एक्चुअली क्या स्टोरी, क्या कॉन्सेप्ट है मूवी का, थोड़ा बताइए प्लीज़ जी। मैं आपको दिखाई दूंगी असरानी जी की वाइफ के रोल में, और हमारी एक छोटी सी फैमिली है, तो वो फैमिली दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं और उनके सास ससुर जो भी हैं, तो ये बहुत छोटी सी फैमिली है और उसी के अंदर उन्हीं 4-6-8 कैरेक्टर्स में ही फिल्म कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ऐसा लग मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा कोई, आपके मुंह पे मुस्कुराहट भी आएगी, आप हंसेंगे भी, आप सोच में भी पड़ जाएंगे कि या ये चीज़ शायद हमारे घर में भी होती है जो नहीं होनी चाहिए। सो मे बी यू विल लर्न लेसन्स फ्रॉम दिस लेसन लिटिल फिल्म। इट्स अ वेरी स्मॉल यूनिट फिल्म, इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत मीठी और सिंपल कॉमेडी और इमोशनल फिल्म है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। जी आप काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, टीवी सीरियल्स की बात करें या मूवीज़ की बात करें, अभी कितना दौर चेंज हो गया है, आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट डू हैव टू से अबाउट दीज ऑल थिंग्स? सी आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 34 ईयर्स, 1985 में मैंने शुरू किया था काम, तो हमने फिल्मों से शुरू किया, अब फिल्में करते गए तो बहुत ज़्यादा हम फिल्मी कहलाने लग गए, क्योंकि फिल्म ही कर रहे थे, टेलीविजन था ही नहीं, सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, उस पर मेरे डैडी काम करते थे। सो आई वॉज लाइक वेन आई ज्वाइंड द सीरियल्स विद जी हॉरर शो जो रामसेस का शुरू हुआ था, जी पे पहला टेलीकास्ट, पहला वो जो स्विच ऑन हुआ था टेलीविजन का, तो उस हमारे से वो था, मैं, पंकज धीर जी और अर्चना पूरन सिंह। सो आई स्टार्टेड विद दैट सीरियल, सो इनिशियली तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा माहौल, सब कहानियाँ भी बहुत अच्छी, कैरेक्टर्स को बड़ा बहुत ज़्यादा तगड़ा ध्यान दिया जाता था, टीआरपीज़ को कभी नहीं मायने दिए जाते थे इतने, कभी भी नहीं। और अब ऐसा हो गया कि अरे थर्सडे टीआरपी आ गई, ये नहीं किस वजह से, अब डिस्कस करेंगे, अरे किस वजह से क्या, किसी भी वजह से टीआरपी लो हो सकती है यार, किसी के कई लोग बिजी हो गए होंगे, कुछ भी है, बट आजकल टीआरपी जो है वो माँ है सबकी। टीआरपी क्या है, चंद हज़ार लोगों की टीआरपी, बाकी जो करोड़ों लोग देख रहे हैं उसका क्या। वो मुझे बुरा लगता है कि जब हमने शुरुआत की थी टेलीविज़न की तब ये सब नहीं थी चीज़ें, तो हम लोग बहुत सुकून से और अच्छे से काम करते थे, अब क्या हो गया जल्दबाजी से काम करना पड़ता है टेलीविज़न में, तो कहीं ना कहीं जहाँ मैं 100% देना चाहती हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ एज एन आर्टिस्ट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट दैट अगर 100% मैं दे सकती हूँ, मैं 110% दे सकती हूँ, मैं 80% में ख़त्म कर देती हूँ कि चलो जाने दो यार, ये तो रीटेक करेंगे नहीं, क्या फ़ायदा। सो ये जो चीज़ है, बदलाव जो आया ना, ये बिल्कुल बिल्कुल मेरे मुझे गवारा नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कई मतलब अपनी वॉइस उठाती हूँ, बोलती हूँ सेट पे, बाकी बाहर जाके माइक लेके तो मैं किसी को इतना समझा नहीं सकती दुनिया को कि भाई टीआरपी ऐसी नहीं ऐसी है, लेकिन टीआरपी पे मत जाइए सिर्फ। मैं चैनल्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि जस्ट डोंट गो विद द टीआरपीज़, कह रहे ये ट्रैक दिखाया था तो टीआरपी डाउन हो गया था, कंटिन्यू करके देखिए ना, हो सकता है अगले हफ्ते बढ़ जाए, हाउ डू यू नो। तो चंद हज़ार लोगों की वजह से आप अपना ओपिनियन या टीआरपी की वजह से सीरियल्स को अप डाउन मत कीजिए, अगर अच्छी स्टोरी है, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छा चल रहा है, तो उसको जैसा चल रहा है स्मूथली वैसे चलने दीजिए, जैसे हमारा पहले होता था। सो ये एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे खलती है। इस मूवी के बाद बात करें तो शगुफ्ता जी, कहाँ आप नज़र आने वाली हैं, मतलब आपके क्या अभी कुछ चल रहा है, कुछ शूटिंग चल रहा है, अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मुझे 2-3 बहुत अच्छे ऑफर्स आए हुए हैं, तो जिसमें से एक तो शाहिद की फिल्म ही है और एक और अच्छी फिल्म, वो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती उसके बारे में, बट फिल्म ही आ रही है, तो मैं बल्कि टेलीविज़न वालों को फ़िलहाल के लिए जैसे मैंने स्टैंड बाय पर रखा हुआ है कि नहीं, आई कैन नॉट टेल यू टेल अ मंथ, आई कांट टेल यू, बिकॉज जब तक वो डिसाइड करके नहीं बताएंगे, बट आई एम एन आर्टिस्ट, आई हैव वर्कड इन सीरियल्स एंड फिल्म, सो आई डोंट माइंड डूइंग एनी वेयर, वेर एवर आई गेट गुड वर्क आई विल डू, बट येस माई प्रेफरेंस वुड डेफिनेटली अगेन बी फिल्म टूडे, बिकॉज टेलीविजन हैज चेंज अ लॉट, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में और दिल में बात बैठ गई कि टेलीविजन बहुत चेंज हो गया है, वहाँ पर मिजाज नहीं मिल रहा है, लोग बहुत चेंज हो गए, लोगों का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है, तो इट हर्ट्स यू, यू नो इट हर्ट्स यू। पुराने लोग हैं बोलते ना, सेट पे भी सब यही बोलते हैं, अरे ये लोग तो बहुत पुराने चावल हैं, पुराने चावल हैं इसीलिए खुशबू देते हैं, बासमती पुराना चावल जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा खुशबू देता है, तो अगर खुशबू लेनी है तो फिर काम भी वैसा होना चाहिए,
और कोशिश करूंगी कि अच्छा कुछ टेलीविजन भी मिल जाए तो वो करूं, नहीं तो फिल्म्स तो करेंगे ही करेंगे इंशाल्लाह। लास्टली शगुफ्ता जी, व्हाट डू हैव टू से अबाउट द व्यूअर्स हु लिसनिंग इन, व्हाट अबाउट द मूवी? मूवी के लिए यही कहूंगी कि प्लीज़ बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, शाहिद ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है, हम लोगों ने काम बहुत अच्छा किया है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, आपको लगेगा किसी अपने घर में अगले कमरे में ये सीन चल रहा है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप लोग हमारी फिल्म ज़रूर जाकर थिएटर में देखें, आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम।